तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया से होंगे। और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके जिसमें बैटल रहेगा दो बाइक्स के बीच में, होंडा एक्स ब्लेड BS6 और हीरो एक्सट्रीम 160R BS6 के बीच में। इन दोनों बाइक्स की बात करते हैं दोस्तों। तो एक्स ब्लेड का जैसे कि आप सबको पता ही है कि जैसे ही BS4 से BS6 के साथ लॉन्च हुई 17,000 रुपये का हाइक मिला, और एक्सट्रीम जो है अभी जो लॉन्च हो गई थी 4 से 5 महीने पहले, लेकिन प्राइस जो है इसका अनवील किया गया लास्ट वीक में। और इन दोनों बीच बाइक्स के बीच में देखेंगे दोस्तों कि क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलर चीज़ें हैं। जहां एक्स ब्लेड जो है 160 सेगमेंट की होंडा की तरफ से आती है, वहीं पे हीरो की तरफ से 160 सेगमेंट में एक्सट्रीम 160R को एक अलग तरीके से यहाँ पर पेश किया गया था। सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे कलर्स की तरफ दोस्तों। कलर्स आपको होंडा एक्स ब्लेड में 4 कलर्स मिल जाते हैं, रेड, ग्रे, ब्लैक और ब्लू। वहीं पे एक्सट्रीम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रीम में आपको 3 कलर मिलेंगे, रेड, वाइट और ब्लू। और उसके बाद चलेंगे कुछ फिगर्स की तरफ जो ऑन पेपर इनके डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि क्या क्या फीचर्स जो हैं। तो एक्स ब्लेड में आपको LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इंजन काउल और ड्यूल आउटलेट मफलर की फीचर्स। और हीरो एक्सट्रीम में LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ और कॉम्पैक्ट स्पोर्टी जो साइलेंसर मिलता है। उसके बाद सस्पेंशन की बात करते हैं तो टेलीस्कोपिक मोनोशॉक आपको एक्स ब्लेड में, और टेलीस्कोपिक फ्रंट में आपको हीरो एक्सट्रीम में। 7 सीट राइडर एडजस्टेबल आपको रियर में मिलेगा एक्सट्रीम 160R में। ब्रेक्स की बात करते हैं तो एक्स ब्लेड में आपको फ्रंट जो रहेगा 276 का डिस्क रहेगा और 220mm का डिस्क जो है वो रियर में रहेगा। वहीं पे सेम आपको हीरो एक्सट्रीम 160R में जो ब्रेक के साइज़ है वो सेम रहेगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो सिंगल चैनल ABS आपको दोनों ही बाइक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। टायर्स की साइड चलते हैं तो 80/117 और 130/70/17 का आपको एक्स ब्लेड में मिलता है। एक्सट्रीम की बात करें तो 100/80/17 और 130/70/17 का आपको यहाँ पे रियर में जो है वो एक्सट्रीम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो थोड़े से चौड़ा टायर जो है वो फ्रंट में आपको एक्सट्रीम में मिलेगा। व्हील बेस की बात करते हैं तो 1347mm का एक्स ब्लेड में और 1327mm का व्हील बेस जो है वो हीरो एक्सट्रीम 160R में मिलेगा। उसके बाद चलते हैं सीट हाइट की तरफ तो 795mm की आपकी एक्स ब्लेड में और 790mm की आपकी हीरो एक्सट्रीम 160R में रहेगी। तो सीट हाइट जो है वो एक्स ब्लेड में आपको ज़्यादा मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 160mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपकी एक्स ब्लेड में और 167mm की रहेगी आपकी हीरो एक्सट्रीम 160R में। इंजन की बात करते हैं तो 162.7 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SI BS6 प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में एक्स ब्लेड का, और 160R में 163 एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व BS6 प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन में आपको यहां पे एक्सट्रीम में मिलता है। जिसके पावर की बात करते हैं तो 10.2 किलो वाट 8000 RPM पे एक्स ब्लेड में और 11.2 किलो वाट 8500 RPM पे एक्सट्रीम 160R में। तो यहाँ पे पावर जो है वो एक्सट्रीम ज़्यादा है। और टॉर्क की बात करते हैं तो 14.7 Nm का टॉर्क 5500 RPM पे एक्स ब्लेड में और 14 Nm का टॉर्क 6500 RPM पे हीरो एक्सट्रीम 160R में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं इन दोनों के इंजन की तो जहाँ पे आपको पावर जो है 1.2 किलो वाट ज़्यादा मिलती है आपको एक्सट्रीम में, वहीं 0.7 का जो टॉर्क है वो आपको एक्सट्रीम में कम मिलता है। और गियर्स की बात करते हैं 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपको दोनों ही बाइक में देखने के लिए मिलेगा। माइलेज हमेशा अपने हाथ में रहती है, माइलेज की बात नहीं करेंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी पर चलते हैं तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो दोनों बाइक्स की रहेंगी। ओवरऑल वेट की बात करते हैं तो 144 डिस्क वाले वेरिएंट की एक्स ब्लेड की और 139.5 केजी जो रहेगी वो रहेगी एक्सट्रीम 160R की। तो यहाँ पे फाइबर जो है वो एक्सट्रीम में लगा है और लोहा जो है वो ज़्यादा लगा है एक्स ब्लेड में। ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो 2013mm की लेंथ रहेगी आपकी एक्स ब्लेड की और 2029mm की रहेगी आपकी एक्सट्रीम 160R की।
तो लेंथ यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है एक्सट्रीम में, और विड्थ की बात करते हैं 786 mm की एक्सब्लेड की, और 793 mm की आपकी रहेगी 160R की। तो यहाँ पे विड्थ भी है जो वो ज़्यादा मिल रही है। हाइट की बात करते हैं तो 1115 mm हाइट रहेगी आपकी एक्सब्लेड की, और 1052 mm रहेगी आपकी एक्सट्रीम की। तो हाइट यहाँ पे एक्सट्रीम की कम है, तो छोटे हाइट वाले भी आपको एक्सट्रीम को आराम से चला सकते हैं। और लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की दोस्तों, तो आप सबको पता ही है, हर कोई इसके लॉन्च होने के बाद कह रहा है कि जो एक्सब्लेड है वो ओवर प्राइज्ड है। 1,06,000 डिस्क सिंगल डिस्क और 1,10,000 डबल डिस्क। वहीं पे एक्सट्रीम के प्राइस की बात करें तो 99,950 रुपीज़ आपको एक्सट्रीम सिंगल डिस्क के लिए, और 1,03,500 रुपये आपको डबल डिस्क वेरिएंट के लिए पे करने पड़ेंगे। तो बैटल में विनर जो है वो कौन है वो आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना।